Hi guys, good morning. तो दिल्ली से 160 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मैं रात को मुरादाबाद आया, बट मैं काफी थक गया था तो मैं आने के बाद सो गया था। तो मैं आपको रात का तो कुछ नहीं बता पाया कि मैं कैसे आया, मैंने क्या खाया और कैसे सोया, बट अब हम अपने नए ट्रिप के लिए निकल रहे हैं और उसकी तैयारी चल रही है। मैं ऑलरेडी रेडी हो चुका हूँ और गुल्लू भैया रेडी हो रहे हैं, नरेश रेडी हो चुका है, तो आप देख लीजिए किस तरह से ये रेडी हो रहे हैं और रेडी होने के लिए ये क्या क्या एसेसरीज और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हेलो भैया। हेलो। तो आप कितने परसेंट रेडी हो चुके हैं? रेडी हो गए हैं। कितना बज रहा है? 7:45 बजने वाले हैं। 7:45 बजने वाले हैं, यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए 7:45 बजने वाले हैं। और भाई साहब आप रेडी हो चुके हो या आप अपने घर से ही रेडी हो के आए थे? बोल नहीं रहे हो यार आप कुछ। ये देखिए, ये है भैया की अटैची और ये मेरी अटैची ऑलरेडी रेडी है, ये नरेश का एक बैग भी रेडी है और ये सब चश्मा रेडी है और हम बस 10 से लेके 15 मिनट में इस घर से निकलेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा भी आपको दिखाया कि सब कुछ रेडी हो चुके हैं सारे लोग, इसके अलावा एक्चुअली ये नहीं जा रहा है हमारे साथ, बट इसका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा और अब हम निकल रहे हैं। बट मैंने एक गलती कर दी, मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं उत्तराखंड में नौकुचियाताल, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और मुरादाबाद से तकरीबन 200 से लेकर 250 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं। आज हमारे साथ भैया हैं, भैया है टू गाइस, भैया हैं, मैं हूँ और नरेश को तो आप लोग जानते ही हैं, नरेश भी साथ में है। नरेश आ जाओ यार। तो इससे पहले आप नौकुचिया गए हैं या नहीं? चलो ये तो जा चुके हैं, बट मैं पहली बार जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। नौकुचियाताल में भी गया था, तुम लोग पैराग्लाइडिंग करना वहाँ पे? बिल्कुल करेंगे, अगर मौका मिलेगा तो वो भी करेंगे और इन भैया को भी करवाएंगे जो हमारा वीडियोस देख रहे हैं। तो गाइज आगे बने रहिए साथ में, रास्ते में जो भी होता है आपके संग शेयर करते हैं। देखिए जाने की तैयारी हो चुकी है, ये हमारे बच्चे हैं दो, लूबी और लोबो, ये हमें बहुत तरसती हुई निगाहों से देख रहे हैं, शायद ये भी चाह रहे हैं कि हम इन्हें ले जाएं। कार रेडी हो चुकी है, बस भैया के आने का इंतज़ार है, उनके आते निकलते हैं यहाँ से। और देखो 10 सेकंड में इनकी एंट्री भी होने वाली है, एक रेड टी शर्ट पहन के कोई आएगा हरे पत्तों में से। तो गाइस घर छोड़ दिया है और हाईवे पकड़ लिया है, फिलहाल तो सिटी में है। अभी हाईवे तक पहुंचने के लिए शायद 15 से लेकर 20 मिनट लगेंगे, तो हाईवे के बाद आपको तो दिखाते हैं। चलो गाइस जब तक हम हाईवे नहीं पकड़ रहे हैं, वैसे हाईवे पकड़ लिया है बट ये हाईवे सिटी से होकर गुजर रहा है, इसी बहाने आपको मुरादाबाद शहर के, मुरादाबाद सिटी के दर्शन भी करा देते हैं कि ये पिछले कुछ सालों में कितना डेवलप हो चुका है और कितना अच्छा हो चुका है। आप देख सकते हैं रोड तो आज भी वही है, छोटे छोटे, बट उन छोटे छोटे रोड्स को काफ़ी अच्छी तरह डेकोरेट कर दिया है लाइटिंग वगैरह करके और रेडियम्स लगा के। नौकुचियाताल जाने के लिए हमें हल्द्वानी जाना पड़ेगा, हल्द्वानी के बाद हमें काठगोदाम भी जाना पड़ेगा, उसके बाद हम ऊपर चढ़ेंगे। गाइस फाइनली हम हाईवे पर आ चुके हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और रूट हमारा रहेगा मुरादाबाद से रामपुर, फिर बिलासपुर, हल्द्वानी, उसके बाद काठगोदाम से हम चढ़ाई शुरू करेंगे और नैनीताल से पहले एक रोड कटती है नौकुचिया के लिए, हम वो वाली रोड फॉलो करेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद जो नज़ारे होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने तो अभी नहीं देखा है बट भैया बता रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, ये लोग वहाँ जा चुके हैं काफ़ी बार, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो गाइस 40 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम पहुँचे हैं मुरादाबाद से 30 किलोमीटर दूर रामपुर। रेलवे क्रॉसिंग पे रुकते हुए ट्रेन क्रॉस कर रही है,
क्या हुआ भैया, प्यास लग गई थी जल्दी? भैया थके तो नहीं ड्राइव करते करते? तो गाइस मुरादाबाद से 100 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और तब से लेके अभी तक उदय भैया ही ड्राइव कर रहे हैं, अपनी मंजिल के बहुत करीब है। तो गाइस रुद्रपुर आ चुके हैं। अरे भैया मैं तो जा रहा हूँ, ये दोस्ती वाला बंदा नहीं लग रहा। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं रुद्रपुर। लोगों ने डिसाइड करा है यहाँ पर छोले कुलचे खाने के लिए, और उदय भैया यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये छोले कुलचे वाला काफ़ी टेस्टी कुलचे बनाता है। तो मैं आपको उसका ठेला भी दिखा देता हूँ। उसके बराबर में कुछ लंगूर यानी वो काले मुंह वाले बंदर जो होते हैं वो मस्ती कर रहे हैं, पर मैं उनके पास जाके वीडियो नहीं बनाऊँगा, शायद उनका मूड ख़राब है और वो गुस्से में है इसलिए वो मुझे काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैं दूर आ गया हूँ। तो आपको छोले कुलचे का मज़ा दिलवाते हैं और हम भी ले लेते हैं, क्योंकि यार वहाँ पर ना भूख नहीं मिटी, वो अच्छा नहीं था खाना। और जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए, तो मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूँ वो भी फ्री में, कि कभी अगर मुरादाबाद टू नैनीताल या फिर दिल्ली टू नैनीताल बाय रोड आप अगर आप ट्रैवल करते हैं और रास्ते में एक एरिया पड़ता है रामपुर, तो प्लीज़ रामपुर में किसी भी होटल पर कोई खाना मत खाइएगा, कुछ टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है और कॉस्टली बहुत ज़्यादा कर रखा है। तो फिलहाल छोले कुलचों की तरफ बढ़ते हैं। ये है विशाल छोले कुलचे, ये नरेश खड़ा हुआ है। नरेश कुलचों का ऑर्डर दे दिया आपने? कितनी देर में मिलेंगे? चलो हमारे छोले कुलचे बन रहे हैं, नरेश उसका वेट कर रहे हैं और गुल्लू भैया लंगूरों को लड़ते हुए देख रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया कैसे हो भैया? बढ़िया भैया। लंगूर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या मैं ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ? लंगूर। अच्छा थैंक यू भैया। यहाँ पे अभी कुछ लंगूर थे, अभी चले गए हैं, पेड़ों के अंदर छुप गए हैं। जैसा ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये दिखा आपको लंगूर, कितना प्यारा लंगूर है। और देखिए एक ऊपर है, ये बच्चा कूद के गया ये, और देखिए उधर, मतलब काफ़ी है यहाँ पे। इस पेड़ के ऊपर तकरीबन 8 से लेकर 9 लंगूर हैं। अभी भैया ये तो यहाँ आ रहा भैया, ये देखिए कितना बड़ा लंगूर ये जा रहा है। शायद ये लंगूरों का राजा है क्योंकि इसका मुंह थोड़ा सा सफ़ेद है। चला गया। और इस एरिया में काफ़ी लंगूर हैं, वो पेड़ों की वजह से दिख नहीं पा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि छोले कुलचे खाएंगे, छोले कुलचे रेडी होकर सर्व हो चुके हैं और नरेश और उदय भैया उसके मज़े ले रहे हैं। भैया कैसे हैं भैया, थोड़ा सा बता दीजिए भैया, ताकि बहुत टेस्टी है। बढ़िया भैया, आपको भी कैसे लगे? बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। और थोड़ा सा मैं भी चखूँ भाई, मैं भी इसको थोड़ा सा चख लेता हूँ और मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये कैसा है। मिर्च तो बहुत ज़्यादा है। कुलचा लिया मैंने, इसको छोलों में डिप करा, और ये मिर्च तेज़ है, एक नंबर मिर्च तेज़ है या नहीं, मतलब ऑसम मिर्च देखो तेज़ है या नहीं। छोले कुलचों ने सहारा दे दिया, वरना हलीम ने तो जख्मी कर दिया था बहुत बुरी तरह। बहुत अच्छा टेस्ट है, तो इसको खाते हैं हम और खाने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब खाने तो आप साथ में रह सकते हैं, हमारे बहुत सारी प्लेट्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छा भाई, अच्छा लग रहा है। हाँ भाई आप इसमें कितनी बार छोले कुलचे खा चुके हो? दूसरी बार खा रहा हूँ। भैया दूसरी बार खा रहे हैं और हम पहली बार खा रहे हैं, बट ऐसे छोले कुलचे हैं कि दूसरी बार खा सकते हैं आगे। अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा यार, ऑसम है। साथ में ये लीची का अचार और ये नॉर्मल अचार, कुलचे बिल्कुल फ्रेश है। और सबसे अच्छी बात ये जो कुलचे हैं ना एकदम फ्रेश हैं, और इन्होंने इसको अच्छे बटर में फ्राई करके दिया, फ्राई करके नहीं सेक कर दिया है। वाह एक नंबर।
तो गाइस देखिए ये अपना फॉरेस्ट एरिया चल रहा है तकरीबन 25 किलोमीटर का, जिसमें से 20 किलोमीटर हम आ चुके हैं, 5 किलोमीटर पे चाहे इसके बाद अपना शहर शुरू हो जाएगा हल्द्वानी। ये जिम कॉर्बेट के अंदर ही आता है ये फॉरेस्ट एरिया जो है, इसके बाद अपना शहर आ जाएगा हल्द्वानी। हल्द्वानी से आपको पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और हमको भी, बट ये एरिया भी बहुत अच्छा है, सब तरफ शांति है और खुला रोड, स्पीड की कोई लिमिट नहीं बट हम लिमिट में चला रहे हैं, सब तरफ बंदर, लंगूर और भी छोटे छोटे जानवर, बड़ा जानवर तो नहीं हो पाता है यहाँ पे दिन में, हाँ रात में ज़रूर आ जाते हैं। तो हल्द्वानी तक का वेट कीजिए, हल्द्वानी में मिलते हैं। तो ये हल्द्वानी है, हल्द्वानी में भी सब कुछ है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, कार के शोरूम्स हैं, सब कुछ अच्छा है हल्द्वानी में भी। तो बाय बाय हल्द्वानी, आप बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, बट हम अब आगे बढ़ रहे हैं काठ गोदाम की तरफ। काठ गोदाम से हम भीमताल वाली रोड, नैनीताल वाली रोड पकड़ेंगे, वहां से भीमताल तक जाएंगे, भीमताल से हमारी रफ्तार कट जाएगी। हल्द्वानी मेरे को अच्छा लगा, सब कुछ है यहाँ पे, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी आपको हर चीज की। तो गाइस फाइनली हम काठ गोदाम क्रॉस करके नैनीताल, भीमताल और नौकुचियाताल के लिए चढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड में आते ही नजारों की और नजारों की खूबसूरती की बौछार हो चुकी है बहुत ही ज्यादा। सफर अभी तक काफी मजेदार रहा है, मजेदार ये रहा है सफर में, एंटरटेनमेंट बहुत हुआ हमारा, अपना पाप दूर करने के लिए छोले कुलचे खिलाए वहां पे भैया, बिल्कुल 100% खरे उतरे, और भैया ने छोले कुलचों के साथ साथ लंगूर के जी के भी दर्शन कराए जो कि बहुत कम मिलते हैं हमें। अब हम फाइनली पहाड़ों के अंदर जा चुके हैं, एंटर हो चुके हैं पहाड़ों के अंदर, बट अभी पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे पता लगेगा। ये भीमताल के लिए राइट में रास्ता कट रहा है, नैनीताल के लिए सीधा जाते हैं, बट हम नौकुचियाताल जा रहे हैं इसलिए हमें नैनीताल जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि नैनीताल से पहले से रास्ता कटेगी, तो वो कटने का टाइम आ चुका है। ये देखिए आप बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, रानीखेत, पिथौरागढ़ और नैनीताल सीधा है, और ये भीमताल के लिए राइट ले लेना है। तो राइट ले लिया, और ये जो सीधी रास्ता जा रही है ये नैनीताल जा रही है, ये वाली भीमताल जा रही है, और अपनी नौकुचियाताल भी यहीं पर ही आएगी। बड़े बड़े पेड़ सब जगह, बीच में रोड, कोई बहुत साफ सुथरी, ठंडा मौसम, यार इसे कहते हैं अच्छा नज़ारा। हाँ दोस्तों, तो काफ़ी सफ़र तय करने के बाद हम उत्तराखंड के पहुँच गए हैं भीमताल। ये भीमताल है और इसकी जो लंबाई है वो है 1700 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो 450 मीटर है, और नैनीताल की तरह इसके भी दो कोने हैं जिसको तल्ली ताल और मल्ली ताल कहते हैं। बाकी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी बड़ी है, सब तरफ पहाड़ है, अच्छी लोकेशन है,
और इसमें फिशिंग हो रही है, मतलब फिश ऐसे घूम रही है जैसे कि कोई बात ही नहीं, मतलब इतना क्लियर दिखेंगे आपको फिश। ये देखिए, मज़ा नहीं आया तो आप कहना, फिश इतनी है इसमें बहुत ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत है लोकेशन, बहुत शानदार है इस स्थान की, मज़ा आ जाएगा आपको। जो आप नौकुचियाताल जाएँ तो यहाँ पर रुक के विज़िट ज़रूर करें। मैं तो रुका हूँ यहाँ पर, भैया रुके हैं, मैं रुका हूँ, हम जरा यहाँ पर थोड़ी फोटोग्राफी थोड़ी वीडियोग्राफी करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से निकलेंगे। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आइएगा, इससे सुंदर नज़ारा और क्या होगा, एकदम साफ़ सुथरा ग्रीन पानी, उसके अंदर फिश, सब तरफ पहाड़ और एकदम शांत। अब सारे व्यूज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इस लेक के बराबर में एक सुभाष पार्क है, हम सुभाष पार्क के अंदर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे हैं, तो ज़रूर आइएगा। तो गाइज़, भीमताल आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मतलब कितना साफ़ सुथरा पानी, फिश यार ऐसे घूम रही है जैसे कि मतलब किसी पार्क में घूमने आई हूँ, और सुंदरता और बाकी का व्यू, लोकेशन, सब कुछ औसम था यार। और ये नौकुचियाताल से सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर पहले है। अब हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, नौकुचियाताल। पूरी भीमताल है और ये देखिए अलग भीमताल, मैंने आपको फ्रंट दिखाया था भीमताल का, अब मैं उसको आपको उसकी लेंथ दिखा रहा हूँ कितनी लंबी है, पूरी तो नहीं दिखा पाऊँगा। ये देखिए, मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ और ऊपर से आके मैं इसकी वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, बोटिंग वगैरह सब हो रही है यहाँ पर, मतलब और क्या चाहिए आपको। लोकेशन देखिए, चलने के बाद फाइनली हम अपने रूम तक पहुँच गए हैं, ये देखिए ठीक, और ओपन करूँगा रूम को, और ये मैंने रूम ओपन करा गई, ये देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है, थोड़ा सा गंदा हो गया क्योंकि ये लोग पहले ही यहाँ पे आ गए हैं, गुल्लू भैया और नरेश पहले से ही यहाँ पे हाजिर हैं। बेडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, ऊपर की भी लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, और ये LED सामने टेबल चेयर, एक दूसरा रूम और, ये अलमीरा है कपड़े वगैरह रखने के लिए, और सबसे अच्छी बात मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, ये वॉशरूम है जो कि काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, साफ सुथरी सीट, वॉश बेसिन साफ सुथरा, हैंड वॉश, टूथपेस्ट, और ये पोर्शन है नहाने के लिए, मैं इसको कट एंड कलर करूँगा, तो गीज़र की सुविधा भी है, और बाल्टी मग, टॉवल्स, सब कुछ है। और ये सब होने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़, जो कि है इस रूम का व्यू। ये हम गए बालकनी में, और सिर्फ मैंने ये दरवाजे को ऐसे खोला, और उसके बाद देखिए चमत्कार, मतलब जिसको कहते हैं ना ऑसम, ये बालकनी से वो व्यू है, हर तरफ पहाड़, और ये नौकुचियाताल, मतलब यूँ समझ लीजिए हम लेक के बिल्कुल सामने ही है हमारा रूम। पादरी का रिट्रीट, ये हमारा रिजॉर्ट का नाम है, और क्या चाहिए, इतनी खूबसूरती मिल रही है आपको इंडिया के अंदर, आपको और बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, आपको और क्या चाहिए, बहुत खूबसूरत। ये बालकनी है हमारी जो कि काफ़ी बड़ी है, मैं बालकनी यहाँ से दिखाता हूँ, ये इसमें चेयर्स पड़ी हुई हैं, आप रात को यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो गाइज़, मैं फ़िलहाल नौकुचियाताल के जस्ट सामने आदरी का रिट्रीट में खड़ा हुआ हूँ, और ये मेरी बालकनी है, बालकनी से आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, सब तरफ पहाड़ हैं, ताल है, और बहुत खूबसूरती है, बालकनी काफ़ी बड़ी है और बहुत सुंदरता है। देखिए मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ उसका, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सुंदरता, सुंदरता और सुंदरता। इस जगह को देखे और देखने के बाद कोई और नाम निकलते ही नहीं है, सिर्फ मुंह से एक ही चीज़ निकल जाती है, इट्स वाव। वैसे तो ये इट्स वाव कोई और ही बोलता है, पर मैंने भी फिलहाल बोल दिया है क्योंकि लोकेशन ही ऐसी है,
आप देख सकते हैं। बट ये रूम मैंने आपको दिखा दिया और लोकेशन दिखा दी यहाँ से बालकोनी की। बाकी अब थोड़ी देर में लंच ऑर्डर करने वाले हैं, तो लंच दिखाते हैं आपको क्या लग मंगवाते हैं। अभी हम दोपहर में हल्का फुल्का वेज ही लेंगे, नॉन वेज वगैरह रात को लेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में आने के बाद ये नीचे से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, ऊपर की तरफ चल रहे हैं और ये सब सीढ़ियाँ हैं इधर, ये मुझे चढ़ के जानी है ऊपर की साइड और देखते हैं ऊपर कैसा नज़ारा होता है। पर बहुत अच्छा है एक्चुअली, मैं सोच रहा था भीमताल बहुत ज़्यादा अच्छा है बट ये भीमताल से भी ज़्यादा शांत और पीसफुल और सुंदर और सुशील एरिया है। देखिए पीछे की लोकेशन ही देखिए आप, मतलब मस्त है, एकदम ऑसम है। और इसी के साथ में आपको वाओ ये देखिए ना आप, ये स्पेस है यहाँ पे, आप ओपनली रात को आप डिनर कर सकते हो। देखिए नरेश और गुल्लू भैया तो चेयर डाल के देख बैठ भी गए हैं और सामने का व्यू का मज़ा ले रहे हैं, और व्यू सच में बहुत अच्छा है, मतलब जिसको कहते हैं ना ऑसम व्यू वो है ये, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इसके बाद ये देखिए सामने की तरफ रूम है हमारा, वो जो गैलरी है, इसके बाद आपको रूम में लेके चलेंगे। मैंने गुल्लू भैया के मुंह से सुना है कि रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद भैया हमारा लंच लेके आ ही गए हैं। नहीं नहीं बेड पे रख दो, ये रजाई हटा दो, टेबल आगे करवा दो, बाय टेबल है तो अच्छी बात है। तो गाइस हमारा फूड आ चुका है, इसमें आलू के पराठे हैं, दाल तड़का है और रोटी है, प्याज है, अचार है और दही भी है। ये हमारा लंच है फिलहाल आज का, तो काफ़ी थक गए हैं हम लोग और भूखे भी बहुत हो गए हैं, तो लंच का आनंद लेते हैं। लंच काफ़ी अच्छी तरह लेके आए, हाइजीनिक तो काफ़ी, अब टेस्ट देखते हैं कैसा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नौकुचियाताल में नेक्स्ट डे है हमारा और सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हम सब उठ चुके हैं और ब्रेकफास्ट करने की तैयारी में। ब्रेकफास्ट में नरेश ने आलू के पराठे और भैया ने आलू पूरी मंगवाई है। ये खाने के बाद हम बाहर निकलते हैं और जो मेन हमारी डेस्टिनेशन लोकेशन है नौकुचिया लेक, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे और उसके बारे में ही आपको बताएंगे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट करने के बाद और सारा काम करने के बाद और फ्रेश होने के बाद अब हम निकल गए हैं नौकुचियाताल के लिए, जो कि हमारे रिजॉर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 500 से लेके 600 मीटर की दूरी पर है, तो वहाँ के लिए निकले हैं हम। तो आप भी साथ बने रहिए, देखते हैं कैसा कैसा अनुभव और एडवेंचर हमें देखने को मिलते हैं। जो हमें देखने को मिलेगा वही आपको देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको भी और हमको भी। ये नौकुचियाताल ये देखिए, अभी इसका जो फ्रंट बेस है हम वहाँ जाएंगे जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। फिलहाल आप इसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है इसका व्यू। चारों तरफ पहाड़ और बीच में लेक, लेक का पानी एकदम ब्लू कलर का। तो 30-40 सेकंड का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं नौकुचियाताल के नौकुचियाताल के एडवेंचर जोन में। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, जोरबिंग होती है, कयाकिंग होती है, ज़िपलाइन होती है, बोटिंग होती है और पैंडल बोटिंग होती है। यह इनका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहीं से सब कुछ स्टार्ट करते हैं ये और हम करने वाले हैं बोटिंग। ये हमारी बैड वाली बोट है जो कि रेडी हो चुकी है, हम तीन लोग हैं, नरेश है, गुल्लू भैया हैं जो कि कार पार्किंग में लगा रहे हैं और मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आया हूँ तो मैं तो करूँगा ही। हमने कुछ सामान ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अंदर आराम से बोट पे खाने पीने के लिए,
और बाकी लोग बोटिंग का बहुत मज़ा ले रहे हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हमें कितना मज़ा आने वाला है। यहाँ से हम नीचे उतर के जाएंगे और हम बोट में बैठेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो दिखाते हैं आपको अपना एक्सपीरियंस बोटिंग का। ये है ना, बोट के अंदर एंटर हो रहा हूँ और ये मैं एंटर हो गया। बैड रखे हुए हैं, शूज़ खोल लें भैया। और ये शूज़ यहाँ पे रिमूव करने पड़ेंगे, कर दिए हैं। और बैग मैंने उतार दिया है, और ये पकौड़ियाँ मैंने ले ली हैं। चादर पे नहीं गिरेंगी, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ और आराम से अपने आराम से मैं बैग पे लेट गया हूँ। ये देखिए सुंदर नज़ारा। हेलो भैया, आपको बोटिंग का अनुभव कैसा लग रहा है? बस सबकी बनेगी भाई। नरेश भाई, आप इस टाइम बैड वाली बोटिंग में बैठे हैं एकदम शाही तरीके से, और ये पकौड़ियाँ आपके सामने रखी हैं, कैसा लग रहा है भैया? प्लीज कुछ बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड। और ये डक्स, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है। वाह, हाँ हो गया। 11:20 पे इसको कहते हैं, 11:20 ताल के बीच का, बीच में बढ़ाना हो टाइम तो बता देंगे आपको। यहाँ तो अलग ही मजा आई है। देखिए डक्स, देखिए आप कितने प्यार से जा रही हैं यार, मतलब इसको कहते हैं कि ऑसम एक्सपीरियंस। नरेश यार कुछ तो तेरे को बोलना पड़ेगा। आज तो बहुत ही मजा आ रहा है, दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया भाई, आपका भी दिल खुश है? बहुत बढ़िया। और बताओ समझ कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम है भैया। यूट्यूबर की तो ले नहीं रहे हो यार। ये लो, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो गाइज ये हम इस टाइम बिल्कुल मिडिल ऑफ द लेक आ चुके हैं और काफी मजा आ रहा है। सब तरफ डक्स घूम रही है, उनकी क्वैक क्वैक की आवाज़ें बहुत आकर्षक, बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। और मेरा सेकंड टाइम है ये बोटिंग करना, फर्स्ट टाइम मैंने भोपाल में करा था लेक व्यू में। ये हमारे भैया हैं, हाँ घुमा रहे हैं। भैया नाम आपका क्या है? हिमांशु जी है ये। और बोट आपके किसी नाम से है? किसी शिकारा बोट क्लब। और आपका कोई नंबर है तो आप बता दो नंबर। एडवेंचर में आओ कभी भी आप, नाउचियाताल कंपनी का नाम है, दनाई एडवेंचर। अच्छा, और मोबाइल नंबर वगैरह कोई कांटेक्ट करे तो? मोबाइल नंबर लिख सकते हो आप, 9917961705। ओके, थैंक यू। कैसा लग रहा है मुझे भैया? बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव का, एंजॉय हो रहा है, एंजॉय का अनुभव हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद एक तालाब में और एक झील में घूम रहा हूँ, और सच भी यही है। मुझे लग नहीं रहा है, एक्चुअल में ही ऐसा है। देखो इसको, ये भैया को तो आप जानते ही, अभी आपने भैया का पूरा बायोडाटा देख लिया है। भैया बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, नाउ ड्राइविंग भैया बहुत अच्छी कर रहे हैं। नरेश भैया बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, गुल्लू भैया बहुत प्रफुल्लित हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। हेलो भैया, और सब तरफ, और एक्चुअली इस लेक का पानी जो है स्काई ब्लू कलर का है, जो कि लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। आप खुद देख सकते हैं सब तरफ हरे भरे घने घने पहाड़, हर तरफ बोटिंग्स हो रही हैं, डक्स घूम रही हैं रास्ते में, और हम नाव में बैठ के जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एडवेंचर भी है। तो मेरे ख्याल से अगर नौकुचिया ताल आए या फिर किसी भी ताल में आप जाओ तो बोटिंग ज़रूर करना चाहिए। बोटिंग से क्या होता है कि आप बीच में जाके भी अनुभव कर सकते हो, और बिना बोटिंग के आप किनारे पर अनुभव करते हो। तो फिलहाल मज़े ले लीजिए थोड़े से इसके, मैं आपको सब तरफ से इसका व्यू दिखा देता हूँ। हम बिल्कुल ही सेंटर में है लेक के, ये देखिए सब तरफ पानी ही पानी है, सब तरफ हम बिल्कुल सेंटर में हैं। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन अभी नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था भोपाल में लेक व्यू में, लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता बोटिंग से, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको इन्जॉय करता हूँ। तो आप भी इन्जॉय कीजिए, फिलहाल वाड़ी को विराम देता हूँ, आगे की बातें बाद में। तो दोस्तों हमने ये एक घंटे की बोट राइड जो है कंप्लीट करी है, और जो हमारे भैया थे बहुत अच्छे मिले। भैया बताओ यार, आपका नाम बताओ यार। इनका नाम हिमांशु है और ये यहाँ के ओनर हैं। इन भैया का नाम क्या है? विनोद दनाई नाम है इनका। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी नौकुचियाताल आते हैं तो यहीं से ही आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे नेचर के हैं ये भैया भी, और ये भैया तो बहुत एक्सपर्ट। नंबर और नाम लिंक में डाल देंगे। नंबर और नाम मैंने वीडियो में भी दिया है, और बाकी मैं लिंक में भी इसको आपको दे दूंगा, ठीक है गाइस? वैसे तो इस लेक के बराबर में एक छोटी सी लेक
और है जो कि इसी का कटा हुआ हिस्सा है, उसको कहते हैं कमल ताल यानी लोटस लेक, बट वो मैं आपको शाम को घुमाऊंगा क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और इंडिया का मैच स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको शाम को उसकी कवरेज देता हूँ। तब तक मैं भी थोड़ा सा वेट करता हूँ और आप भी थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइज हम अपना नौकुचियाताल घूम के आ गए, बोटिंग करके आ गए और उसके बाद अब हम मैच देख रहे हैं। गुरु भैया और नरेश बैग से आराम से लेटे हुए हैं और मेरा बैग ये लगा हुआ है सेपरेटली, क्योंकि मेरे को सेपरेट रहना ज्यादा पसंद है। और ये भैया मैच कैसा लग रहा है? आज खुशी हो रही होगी नरेश? बिल्कुल। और ये मैच है, ये मैच चल रहा है और मैच देखते देखते हम वेट कर रहे हैं लंच का। कल हमने दाल आलू के पराठे और चपाती मंगवाई थी, फिलहाल हमने ऑर्डर दिया है कढ़ी का, कढ़ी आलू का पराठा और चावल। लंच आता है, लंच आपके साथ एंजॉय करते हैं, तब तक के लिए आप भी थोड़ा सा मैच पे ध्यान दीजिए और प्रे कीजिए कि इंडिया अच्छे रन से जीते। आज विकेट से नहीं जीतना है, आज रन से जीतना है क्योंकि हम पहले खेल रहे हैं। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ, नमस्कार। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद भैया खाना लेके आ गए हैं, आ जाओ भैया। भैया क्या क्या लेके आए हो खाने में ये बताओ आप? काली मिर्च, चिकन और दाल तड़का और प्लेन राइस और आठ रोटी। अरे वाह, अचार, ओ गजब यार। नींबू रख दीजिए भैया, नींबू के साथ सलाद है, लाल पूरा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा भैया, आप बहुत अच्छी तरह लेके आते हो रावत जी। थैंक यू सर। और देखिए नरेश और भैया खाना खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। भैया बिल्कुल तो गाइस खाना आ चुका है और गुल्लू भैया खाना खोलने की तैयारी में है या? और सबसे पहले इन्होंने सैलेड उठाया है और उस पर नींबू डाल रहे हैं। तो बिना नींबू के? हाँ, मेरी दो प्याज छोड़ देना बिना नींबू की। और भैया नींबू डाल रहे हैं। अब ये भैया सिल्वर फॉइल्स उठाएंगे। भैया पहले सारे खाने की सिल्वर फॉइल्स उठा दीजिए, हमारे दोस्त देखेंगे ना कि हमने क्या खाना बनाया है। बिल्कुल, ये कटोरी यहाँ आ गई। और ये भैया ने प्लेट्स में चम्मच लगाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़े बड़े सर्विंग स्पून जो हैं, सर्विंग स्पून अलग रख दिए हैं। रोटी खोल रहे हैं भैया, वो भी सिल्वर फॉइल में है, एकदम गरम गरम। वाह यार, रोटी कितनी बढ़िया। और क्या लोगे पहाड़ के हिसाब से? तो बहुत शानदार बना है, बिल्कुल मक्खन है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छे। उसके बाद भैया ये चिकन, भैया ये है ऊंचा ऊंचे चावल हैं, चिकन उसमें ही है जो आपने छुआ है। और ये भैया ने, ये फाइनली हमारा काली मिर्च चिकन ओपन हो चुका है। वाह यार, क्या सुंदर, क्या सुंदर है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अब ये खाना, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और दो दिन बहुत मज़ा आया, एक्चुअली आज हमारा तीसरा दिन भी और लास्ट दिन भी है। आज हम यहाँ से चेकआउट करेंगे और अपने अपने घरों की तरफ बढ़ेंगे। सुबह का 6 बज रहा है और मेरी आँख थोड़ा जल्दी खुल गई और वो दोनों अभी तक सो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को साथ लेके एक मॉर्निंग वॉक करी जाए और मॉर्निंग वॉक करते करते आपको यहाँ के नज़ारे दिखा दिए जाएँ। और फिर मुझे याद आया कि एक बहुत अच्छी लेक जो कि नौकुचियाताल के बराबर में ही है, जिसको कमल ताल बोलते हैं, वो तो आपको घुमाना मिस ही कर दिया। तो पैदल पैदल चलते हैं वहाँ पर, जो कि हमारे होटल से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर 500 मीटर की दूरी पे है, और आपको वहाँ के दर्शन भी करा देते हैं। और मैंने तो कर लिए उसके दर्शन कर ली, बट मैं डिटेल में उसके दर्शन आज करूँगा और उस ताल के बारे में जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको दे देता हूँ, ताकि अगर आप लोग कभी यहाँ पे आएँ या प्लान बने तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए उस लेक के बारे में। बाकी मैं बिल्कुल लेक के किनारे किनारे चल रहा हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर और अद्भुत नज़ारा मेरे साथ है इस टाइम, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप खुद समझ सकते हैं, सुनसान रोड, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ लेक, मुझे कितना मज़ा आ रहा होगा। और फिलहाल मैं अपने आप को बहुत लकी समझ रहा हूँ कि मैं इतनी अच्छी लोकेशन पर हूँ और इतनी शांत और इतनी सुंदर जगह हूँ। तो आप भी मेरे वीडियो के माध्यम से
थोड़ा बहुत आनंद ले सकते हो इस जगह का, क्योंकि मैं ये जगह आपको काफ़ी डिटेल में दिखा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि दो दिन हम नौकुचियाताल में रहे, बट मैं आपको ये तो बताना भूल गया कि आप यहाँ पे ईजिली पहुँच कैसे सकते हैं। देखिए, आप दिल्ली में रहते हो या फिर मुरादाबाद में रहते हो या फिर किसी भी शहर में रहते हो, यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा काठगोदाम। और काठगोदाम से हमारी चढ़ाई शुरू होती है पहाड़ों की तरफ। 7 से लेकर 8 किलोमीटर चलने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखते हैं। एक रास्ता जाता है नैनीताल की तरफ और एक रास्ता जाता है भीमताल की तरफ। आपको भीमताल वाला रास्ता लेना है। भीमताल से ये नौकुचियाताल सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है और काठगोदाम से ये ताल 26 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ पे अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल हैं। कुछ छोटी कैब्स हैं, रोडवेज बसेज हैं और भी बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे ईजिली आ सकते हैं अगर आपके पास खुद का वाहन है तब भी, और अगर खुद का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है तब भी, तो आप ईजिली आ सकते हो यहाँ से। और जहाँ हम रुके हुए हैं आदरी का रिट्रीट में, उसका पर डे का जो रेंट है वो 3000 है। और आप चाहें तो आपको यहाँ पे आने के बाद इससे अच्छे भी रिजॉर्ट मिल सकते हैं और इससे थोड़े से डाउन भी मिल सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से रिजॉर्ट में रहना पसंद करेंगे। वैसे मैं तो यही चाहूँगा किसी अच्छे में रहिए, क्योंकि इतनी अच्छी लोकेशन पे अगर आप अच्छे रिजॉर्ट में नहीं रहते हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं बढ़ता हूँ आगे लोटस लेक की तरफ। थोड़ी देर बाद आपको भी वहाँ लेके चलता हूँ। और दोपहर में जब हम यहाँ से निकलेंगे 11 से लेके 12 बजे के बीच में, तो जाते समय हम आपको यहाँ का हनुमान टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है, उसके दर्शन भी करा देंगे। और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो थोड़ी देर के लिए आपसे विदा चाहता हूँ जब तक मैं लोटस लेक पर नहीं पहुँच जाता। वहाँ पर जाने के बाद फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय। इन्हें मछलियाँ मिल नहीं रही हैं शायद, इसलिए शोर मचा रहे हैं। प्रेयर कर रहे हैं सुबह सुबह की। गुड मॉर्निंग प्रेयर इतनी शक्तियों में भी न दाता। तो गाइस, ये है हमारी लोटस लेक, जो कि एकदम नौकुचियाताल से मिली हुई है। और किसी ज़माने में नौकुचियाताल और ये कमलताल एक ही थे, लेकिन फिर इसको अलग कर दिया गया और कमलताल ने अपनी एक अलग जगह बन गई। और इसमें कमल के फूल जो हैं वो मेन अट्रैक्टिव है, इस ताल का अट्रैक्शन है इस ताल का, इसी वजह से इसका नाम कमल ताल रखा है। एक ग्रास क्रॉप करके एक मछली होती है, वो मछली क्या करती है, इस कमल के फूलों की जितनी भी जड़ें होती हैं उन्हें खा जाती है। इस वजह से पिछले 4 साल से यहाँ पे कमल के फूल ज़्यादा तादाद में नहीं खिल पा रहे हैं। ये नौकुचियाताल का मेन बोट स्टैंड है। आपको यहाँ से लेक में घूमने के लिए बोट्स मिल जाएंगी। सुबह सुबह बच्चे यहाँ पे जूडो कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे आसपास आपको ये रेस्टोरेंट और ये फास्ट फूड कॉर्नर मिल जाएंगे आराम से। तो गाइस, नौकुचियाताल के अंदर ये एक हनुमान मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना है, और मेरे पीछे आप उसे देख रहे होंगे, हनुमान मंदिर। और हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर, और ये यहाँ का फेमस मंदिर है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से बना रखा है। तो मैंने सोचा जाते जाते मैं आपको इस हनुमान मंदिर के भी दर्शन करवा ही देता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और दर्शन करते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात इस मंदिर की पता है क्या है, इसकी मूर्ति, जो कि तकरीबन 40 फीट लंबी है हनुमान जी की मूर्ति। मैं उसके आपको एक बार दर्शन कराता हूँ। देखिए मेरे पीछे है, देखिए काफ़ी बड़ी मूर्ति है, 40 से लेकर 50 फीट। एक आर्टिफिशियल
गुफा भी बना रखी है। ये आपको दिख रही होगी ये पीछे से, ये गुफा जा रही है, ये आर्टिफिशियल गुफा ही बना रखी है जो कि इस मंदिर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो गाइस दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं अपने मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ। 3 दिन यहाँ पे रहे, बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। जो रिजॉर्ट जो है इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, खाना बहुत टेस्टी है, लोकेशन आप देख ही रहे हैं 3 दिन से कितनी अच्छी है। और अब निकलने का समय आ गया है, बैग गाड़ी में पहुँच चुके हैं, बस हमें गाड़ी में जाना है और स्टार्ट करके निकलना है। तो बस बाय, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, काफ़ी दूर आए थे, तो इस वीडियो को पहले से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चलता हूँ।